For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. मैं प्रोफेसर डॉक्टर मलिक तारिक महमूद हूँ. मैंने MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से किया, फिर अमेरिका से MD की और उसके बाद ट्रेनिंग इंटरनल मेडिसिन और कार्डियोलॉजी में करने के बाद 3 बोर्ड्स जो कि MRCP के बराबर हैं वहाँ से पास किए. 1993 में मैं पाकिस्तान वापस आ गया और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना. 2001 में मैं अमेरिका वापस यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में स्कॉलरशिप पे गया और फिर वहीं पर प्रोफेसरशिप की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स की और डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी बना. 2009 में मैं पाकिस्तान वापस आ गया और फिर मैंने जफर अली रोड पर कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू कर दी. मेरे एरियाज़ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, बीमारियों को आने से पहले जो मेजर्स इंसान कर सकता है टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फालेज वगैरह. और जो स्पेशल इंटरेस्ट का एरिया है वो हाई ब्लड प्रेशर है एंड आई ऑल्सो मैनेज कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जिसे के एंजाइना, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक्स कहते हैं. हाइपरटेंशन जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ना सिर्फ उम्र के साथ उसकी इंसिडेंस बढ़ती है बल्कि रॉन्ग लाइफस्टाइल, वेट गेन, लैक ऑफ एक्सरसाइज और अच्छी और सेहतमंद डाइट ना खाने से भी इस ये बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है. हाई ब्लड प्रेशर की वजह मेनली गुर्दे का नमक को हैंडल करने का अंदाज़ जो है उसमें खामी आ जाती है और नमक जिस्म में अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है. अब इसकी पॉजिटिव ख़बर ये है कि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज दवाइयों की शक्ल में आ चुका है और ऐसी दवाइयां भी आ गई हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ऑलमोस्ट नहीं हैं और उनसे उनके खाने से ज़िंदगी का लाइफस्टाइल इफ़ेक्ट नहीं होता. लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट बिल्कुल ऐसे है जैसे आप आँखों वाले डॉक्टर के पास जाएं, उसको कहें मेरा चश्मा बना दें, तो वो आपका एक फार्मूला बनाता है कि एक इंसान का चश्मा दूसरे इंसान को फिट नहीं आता. इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर का इलाज जो कि एक इंसान का बनाया जाता है वो कस्टम मेड होता है, उसके इंडिविजुअली उसके लिए बनाना पड़ता है वो नुस्खा, वो हर मरीज़ पे फिट नहीं होता. और हाइपरटेंशन में जो सबसे अच्छी पॉजिटिव ख़बर ये भी है कि लाइफस्टाइल चेंज करने से, वेट कम करने से, डाइट चेंज करने से दवाइयाँ जो हमें खानी पड़ती हैं उनमें कमी आ सकती है. जहाँ आप 4 गोलियाँ खा रहे हैं वहाँ आपका एक गोली से भी गुजारा चल सकता है और ये भी हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएं. अक्सर ये बात होती है ड्राइंग रूम्स में, लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हम डाइट क्या खाएं, क्या डाइट ठीक होती है जिससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो, दिल की बीमारी भी ना हो. मेरे पास ऑफिस, मेरे प्रैक्टिस में लोग आके यही सवाल पूछते हैं तो मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि जनाब क्या खाएं उसमें तो इसमें कोई शक नहीं कि आप हेल्थी चीज़ें खाएं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, रफेज जिसे कहते हैं, नमक कम हो, फैट का भी कम होना होना चाहिए. लेकिन फ़ैट खाना अच्छा होता है, फ़ैट हेल्थी फ़ैट होना चाहिए. फ़ैट की क्लास होती है मोनोसैचुरेटेड फ़ैट जो कैनोला ऑयल में है, जैतून के तेल में है. आजकल तो मक्खन, देसी मक्खन, असली मक्खन और असली घी खाना भी ठीक है. जो मुज़र फैट है वो ट्रांस फैट है. ट्रांस फैट वो फैट होता है जो कि बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, ये फास्ट फूड में होता है जो हमारे माशरे में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली. और अमेरिकन और यूरोपियंस मुल्कों में इसी फास्ट फूड की वजह से हार्ट डिजीज़ का और ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है. अब डाइट में ये ज़रूरी है कि आप
डाइट नाश्ता ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर नाश्ता मिस करने से फिर क्रेविंग होती है लंच की डिनर की। तो खाना छोटे छोटे मील्स 2-3 दफ़ा दिन में खाने ज़रूरी हैं। और एंजाइना को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एंजाइना अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों में साइलेंटली एक्सपीरियंस होता है सांस चढ़ने की सूरत में। कुछ लोग ये फील करते हैं कि जब वो चलें तो उनका सांस उस एग्जर्शन के बनिस्बत ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ रहा होता है। जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, चल रहे हैं, तो सांस जितना चढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा चढ़ता है। एंजाइना की अलामत जो है वो उसकी को पहचानने का बेस्ट साइन यह है कि वो चलने से आता है और रुक जाने से ठीक हो जाएगा। यानी एग्जर्शन जो कि सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों, तेज़ चलें, तो जो सेंसेशन चेस्ट में आ जाए एग्जर्शन करने से और रुकने से ठीक हो जाए, वो डेफिनेटली एंजाइना। अब जब बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है तो कई दफ़ा ये बैठे बैठे भी फील होना शुरू हो जाता है। जब वो स्टेज आ जाए तो मरीज़ को इमरजेंसी रूम में या अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से फौरन मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि जब एंजाइना बैठे बैठे आ जाए तो इसका मतलब है कि हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ चुका है और खून का लोथड़ा बनने का ख़तरा होता है। एंजाइना का इलाज जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट्स होती हैं, एंजोसिट के नाम से आती हैं, स्प्रेज भी हैं मार्केट में। वो एक गोली ज़बान के नीचे रख लेनी चाहिए और बैठ जाना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए, खड़े होंगे तो बेहोशी का ख़तरा होता है। एक गोली खाएं, आराम आ जाए अच्छी बात है, ना आए दूसरी गोली 3-4 मिनट के बाद खाएं, फिर तीसरी खाएं, लेकिन मीनवाइल आप फ़ोन करके किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल और इमरजेंसी रूम में चले जाएं। अगर मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मरहम की साइट पे मेरा एड्रेस टाइमिंग्स मौजूद हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट वहाँ से ली जा सकती है।